अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हों सेहतमंद तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए कि अल्लाह आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आवाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो वीडियो कुछ इस तरह से है कि कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने हर किसी की माँ पे, हर किसी की बहन पे, हर किसी की बेटी पे जो है वो गाली निकालनी है और बात करनी है। तो बात ये एक शुरू मैं कहाँ से करूँगी, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली ने टीपू वीर की वीडियो देखी होगी, लेकिन टीपू वीर की वीडियो से पहले जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप टीपू वीर की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो टीपू वीर की वीडियो से पहले आई थी इस स्पैनिश तो नहीं मैं इसको बोलूंगी, वहां से इसकी वीडियो। और उससे पहले इसने 2 दिन हो गए हैं इसको टीपू वीर के घर अपने सुसर को भेजते। अब मुझे ये नहीं पता समझ आती कि इसके सुसर को क्या पड़ी। वैसे ये बोलता है हमारे भाइयों भाइयों का मतलब, फिर आपके ससुर की क्या औकात है कि वो जाके किसी को धमकी लगाए, और असलम की क्या औकात है कि वो किसी के बाप को जाके गालियां दे या धक्के दे। अपना बाप पे कोई बात भी नहीं करता तो उठ जाते हैं, और जब किसी की बात हो तो हम उसको चाहे गाली निकाले, हम जो मर्जी करें, हम सच हैं। फिर हमारा वो कहते हैं ना हक सच गया भार में। और मुझे शर्म आती है इसके साथ जो लोग लगे हुए हैं और जो औरतें इसके साथ लगी हुई हैं उनको शर्म करनी चाहिए, जो बैठ के लाइफ में बोलती हैं कि इनका ऐसा ही होना चाहिए था, उसने बहुत अच्छा किया, उसने ऐसा ही बोला। आपकी माँ को गालियां निकाले ना बैठ के ये, फिर बोलना औरत होने के नाम पे आप लोग दबा। चल चल का हाल देख लिया ना आप लोगों ने, चलचल का लोगों को पता चल गया ना कि वो कैसी थी। आज उसका हाल देखो, यही अंजाम आपका होगा। आप लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, लोग उसकी वीडियो पे जाते ही नहीं है, 2-2, 3-3 दिन बाद जाके उसके व्यूज होते हैं। आपका भी यही इंशाल्लाह हाल होगा, क्योंकि जब आप गलत का रास्ता पकड़ते हो ना तो आप गलत हो, आप गलत का साथ दोगे तो आप गलत हो। और ये कैसी औरतें हैं जो एक बंदा दड़ दड़ बोल रहा है, इसकी वीडियो मैंने पूरी रिकॉर्ड की है जो इसने बोली है। अब इसने चाहे उसमें से कुछ काटा हो या जो मर्जी किया हो, पूरी मेरे पास इसकी वीडियो पड़ी है। इसने खुले आम उसकी मरी हुई माँ को गाली दी है, इसने टीपू वीर की माँ को गाली दी। इसने साफ अल्फाज में बोला कि आप अपनी माँ और बहन को यूट्यूब पे बैठ के बेचते हो, इसने ये अल्फाज बोले। तो फिर इस लिहाज से इसकी मां भी आती है, इसकी बहन भी आती है, भाइयों की वाइफें भी आती हैं। फिर असलम भी बैठ के यही काम करता होगा, मुनव्वर भी बैठ के यही काम करता होगा, और ये खुद भी बैठ के यही काम करता। फिर आप भी उसी तरह के हुए ना, जब आप टीपू वीर को बोलोगे जिसकी आज तक हमने वाइफ नहीं देखी यूट्यूब पे, जिसकी आज तक हमने माँ को यूट्यूब पे नहीं देखा, जिसको बेचारी को फोत हुए इतने साल हो गए हैं, उसको इसने गाली दी। और मैं कहती हूं हैरानगी है मुझे इन औरतों पे जो बैठ के उसको बोल रही है कि इसने सच बोला। शर्म कर लो अभी तो, लेकिन नहीं, हमने झूठ का साथ देना और हमने झूठ को आगे बढ़ाना है। ये इन लोगों ने कसम खाई हुई है, ये इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने सिर्फ झूठ का साथ देना और हमने झूठ का साथ उसके साथ, वो डूबेगा हम भी डूबेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका हाल वही होगा जो चल चल का। लोगों ने देखना बंद किया, इंशाल्लाह अनकरीब आपका भी होगा। स्ट्राइक का बोल रहे हो ना, शुरू हो गई है, नहीं पता ना तो पाकिस्तान से पता करो, आसफ वीर के भाई से शुरू किया।
फिर रहा ना अपने चैनल को दोबारा करवाने के लिए, तो अब लाइन में सभी को भेजूंगी मैं। अब ये होगा, पहले एक का हाल देख लो, उससे इबरत हासिल करो। फिर रहना अब इधर उधर बाहें हिला रहा, चैनल बंद है उसका, ये हाल होता है। फिर कहां तक बचोगे फिर? और जो बड़े बनते हैं ना, हम जी बड़े मोतबर हैं, हम इसको ये बोलेंगे, हम इस औरत को वो बोलेंगे, हम इसके ऊपर ये धब्बा लगाएंगे, बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप एग्जिस्ट ही नहीं हो। और मुझे शर्म आती है इन दो औरतों की जो उस मर्द के पीछे लगी हुई हैं, और वैसे इनको हर चीज हलाल हराम करनी है इन्होंने, वो इन्होंने करनी है, तुम छलियां उसकी बनी हुई हैं ये, क्योंकि उसने तो बोल दिया ना मेरा ये ग्रुप है पूरा, और उसकी हर झूठ में हाँ में हाँ ये मिलाती है। और उसने साफ अल्फाज में आज कैसे बोला टिपुवीर की मां और बहनों को, ये आप लोग देखो, मैंने खुद अपने कानों से सुना, उसने बोला कि ये YouTube पे बैठ के अपनी मां को और अपनी बहनों को बेचा है, यह अल्फाज बोले उसने, और उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। इतनी तो इसमें शर्म है, कोई कुछ बोले ना तो अपने लिए बड़े खड़े होते हैं कि उसके मां को बोला, और इसके जो चेलियां बनी हुई है ना उसकी मां को बोला, हालांकि हमने कभी आज तक किसी को गाली नहीं दी। मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, अगर हमने किसी का भी जाकर किसी के YouTube में से पिक्चर लगाई हो या किसी को गाली दी हो, कोई भी देख लो। और ये हमेशा इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे पक्का यकीन है, जो हाल उसका हुआ है यही हाल इन दोनों का भी होगा और इनका होगा। और ये बड़े दूसरे लोगों को बोलती है ना मुंह ना मत्था, जिन पर अपने अपने क्या इनकी शक्लें हैं, अपने क्या रंग है इनके, अपने क्या रंग है इनके, अपना नहीं देखती, अपने आप को नहीं देखना कि हम भी उसी तरह की हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई शक्लों में ये नुक्स निकालने पे बैठी होती है। वैसे बड़े इन्होंने करने हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कबूलियत नहीं है उसमें, जब आपके दिल ही मैले हैं, जब आपके दिल ही काले हैं। अल्लाह ने नीयतें देखनी है बंदों की, जो आप लोग कर रहे हो ना इंशाल्लाह मुंह के बल गिरोगे इंशाल्लाह। और क्या लोगों ने बोला कि अली ने जाके अब टीपू को उसके खिलाफ खड़ा किया, अली आपकी तरह नहीं है पैसे भेज के वीडियो बनवाता कि ये लो 2-4 हजार इस बंदे के खिलाफ वीडियो बनाओ। अरे अली तो वो है जो लोगों के घर चलाता है, अली तो वो है जिसने घरों लोगों के घरों के खर्चे उठाए हुए हैं, अली तो वो है जो गरीबों को दे के कभी नाम नहीं करता, अली और हमारा तो वो है जो किसी को साथ बिठा के खाने में खुश होते हैं। हम एक हाथ से देते हैं, हम अपने दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते, हम कहते हैं कभी किसी के सामने हमारा नाम ना लेना, ये है हम। और ये लोगों को पैसे भेज के बोलता है मेरी फेवर में वीडियो बनाओ, अली ऐसी हरकतें नहीं करता, ये सब जो छोरों वाली हरकतें हैं ना, ये आप पूरे ग्रुप में है। और हो सकता है अब आप लोगों की माओ पे जब ये बात करेगा ना, फिर आपको आएगी, फिर आपको पता चलेगा, और इंशाल्लाह वो होगा, वो वक्त दूर नहीं है, हमने देख लिया चल चल का हाल भी, आपका भी वही अनकरीब होने वाला। वैसे तो आपको कोई जानता पूछता नहीं है, अब हमारा नाम यूज करके जो आते हैं ना वो भी इंशाल्लाह जाओगे, इंशाल्लाह देखना हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली ने तो आपको पहले ही सबने देखना बंद किया हुआ है, वो मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने लोग आपसे वो हुए होंगे, कभी सच बोलो तो लोग आपको देखे ना। ये दिलों में बेजारियां इसलिए आपकी होती है कि अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह अपनी इबादतें माफ कर देगा, मैंने बहुत दफा ये उसको भी बोला था चल चल को भी, लेकिन अल्लाह हकूकुल बाद कभी माफ नहीं करेगा, जब आप किसी का दिल दुखाओगे ना वो कभी माफ नहीं होगा। और क्या इसने उसको ताना दिया कि आपकी एक टांग नहीं चलती, ये इसने उसको बोला। मैं कहती हूं जो टीपू वीर कर रहा है ना, जो टीपू वीर कर रहा है, आप यहां बैठ के नहीं कर रहे, जो उसको हर किसी को ये बोलते हो ना मैं यूरोप में हूं, देखना आपका क्या हाल होगा,
देखना बा, ना मुंह के बल गिरे ना तो फिर देखना। वो पाकिस्तान में बैठ के वो काम कर रहे हैं जो आपकी औकात नहीं है, जो आप कर नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। फौज में था वो, फौज में था वो, और आप उसके ऊपर इतनी इतनी बातें कर रहे हो, और वो तो फिर भी लगा हुआ था बेचारा कि कहीं इनकी सुलह हो जाए, और आपने उसी के बाप को जाके गालियां निकलवाई, उन्हीं के खिलाफ बुलवाया, सिर्फ सिर्फ इसलिए कि जो अली के साथ है उसके ऊपर इन्होंने बातें करनी है, जो अली के साथ है उसके साथ इन्होंने बातें करनी है। यहां तक तो इनकी गिरी हुई सोचे हैं, ये देखो। और वो दो कन्नों फड़ी बांदरियां भी इसके पीछे लगी हुई हैं, कान खजूरियां सी। मैं तो कहती हूं मुझे तरस आता है उन दोनों के, कि उनको उनको सच्चाई नजर नहीं आ रही, बस झूठ के पीछे भागी जा रही है। इंशाल्लाह होगा, वही हाल होगा उनके सामने है। और जो भाग रहे ना, अब चैनल बंद हुआ हुआ है, यही हाल बाकियों के भी होंगे इंशाल्लाह। मैंने परसों बोला था, और अब कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी मेरा वो कार्ड बनवा कभी वो, सब यही हाल होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ना कसम खाई हुई है कि हमने हर किसी को करना ही करना, लेकिन आप अली का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये आप एक बात याद रखना, क्योंकि वो हक सच के रास्ते पे है, हम हक सच पे चल रहे हैं, और हमारा साथ हमारा अल्लाह दे रहा है, वो हर चीजें हमारे सामने लाके रख रहा है। और फिर बोलते हैं एक्सपोज करने, एक्सपोज मैंने कल भी बोला था, उन्हीं को किया जाता है जो गलत होते हैं, जो सच्चे होते हैं उनको कौन एक्सपोज कर सकता है, उनकी उनकी लाइफ तो खुद ही किताब है, आओ पढ़ो। लेकिन एक्सपोज होने का डर उनको होता है जो झूठे होते हैं, सच्चे बंदों को नहीं होता। होता ना तो एक साल अली इस चलचल को ना बर्दाश्त करता, क्योंकि वो सच्चा था, उसको पता था ये बज बज के खुद ही एक दिन बंद हो गई। लेकिन इस बहन ने जब देखा ना तो उससे रहा नहीं गया। जो लोग वहां जाकर कुछ ऐसी बस देखते थे ना, उन्होंने अब उसको बंद कर दिया देखना। वो कहते हैं इनफ हो गया ऐसी बकवास सुनने में, और अब यही ये लगे हुए हैं। वैसे लोग आते नहीं हैं तो अब चलो जी लाइवें करके बैठ जाओ। वही दो चार लोग, वही दो चार लोग होते हैं उनके। मुझे तो हंसी आती है ऐसी औरतों के ऊपर, वेलियां घरों में बैठी, ना काम ना काज, बस आ गई। और हम तैयार होके आते हैं, हम ऐसे आते हैं, 12-12 घंटे काम करके आओ ना तो फिर आपको पता चले। सारा दिन लोगों की बातें सुन के आओ ना कि इसने मुझे वो कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, फिर आपको पता चले। फिर पता चले कि लाइफ क्या है, कि किस तरह वहां खड़े हुआ जाता है, फिर आपको पता चले, फिर आपको समझ आए कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। आपकी तरह नहीं, घर में बैठ जाना, बस दो चुगलियां उधर से सुन ली, दो चुगलियां उधर से खुद सुन ली, और फफा कुटनियों वाले काम शुरू कर दिए। और चला था ना इसने पहले अपना वो बनाया पाकिस्तान में, और उसका आज इसका हाल देख लो, और जो यहां थी उसका भी आप देख लो। तो बाकी भी इंशाल्लाह लाइन में लगे हुए हैं, इबरत हासिल करो उससे। तो चलिए जी, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से लेती हूँ इजाजत। मुझे अभी मेरे किसी बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने मैसेज करके पूछा था कि क्या हुआ, तो फिर मैं आपके लिए वीडियो तो अपलोड कर दूं, पर मैं इसकी वीडियो अपलोड करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इस तरह के शौक नहीं है कि लोगों की वीडियो मैं अपने चैनल पे चलाऊं, और ना मैं करूंगी। झूठे लोगों की वीडियो को बस पर अपने रिकॉर्ड के लिए हमने की हुई है, और जो जो इसने उसमें बोला है ना कि वो, मैं तो फिर भी कहती हूँ कि टीपू भाई ने जो बाद में जवाब दिया, उन्होंने फिर भी बड़ी इज्जत और तहजीब में रह के जवाब दिया, और हम सब टीपू वीर के साथ हैं। टीपू भाई लेके जाए उस वीडियो को, FIR कटवाए, मैं आपके साथ हूं, लेके जाए आप,
आपके घर जब कोई आया था आप उसी वक्त पुलिस को बुलाते, खुदा ना खास्ता आपके अब्बू को कुछ कर जाते वो, फिर ये समझते हैं कि हम फन्ने खान बने फिरेंगे। तो चले जी, अपनी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली से लेती हूँ मैं यहाँ पे इजाजत। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो अपनी हीरा माफी को माफ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हर वक्त मेरे साथ होती है। जिंदगी ने अगर इजाजत दी और वफा की तो इंशाल्लाह कल आपकी हीरा माफी फिर आपके सामने हाजिर होगी। रखिएगा अपना अपना ख्याल। लव यू माई ऑल फैमिली, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मिलूंगी आपके साथ। इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें आप लोग, इनको तभी असर होगा। वैसे इनको किसी को कुछ असर नहीं होने वाला, जब इनको रास्ते पे लेके आएंगे ना तब इनको असर होगा। तो लेती हूँ आपसे इजाजत, रखिएगा अपनी दुआ में याद। लव यू माई ऑल फैमिली।